हमारा है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, 10th क्लास का हूँ मैं। और अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है घर से। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में, अभी पहले जाना है कोचिंग, उसके बाद जाना है स्कूल। सो गाइस पहले मैं कोचिंग में मिलता हूँ, उसके बाद फिर अपने स्कूल में मिलता हूँ। सो गाइस बने रहे ब्लॉग में। अगर मुझे मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम में जाके आप मुझे टैग करके और पूछ सकते हैं। सो गाइस बने रहे ब्लॉग में। सो गाइस अभी आप लोग नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं कमेंट कर रहे हो। सो गाइस अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट से हमारा रीच बढ़ता है और ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँच जाता है यूट्यूब। सो गाइस कमेंट जरूर से जरूर करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। सो गाइस जिनको पता नहीं कि अभी मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ, हर दिन का रिकॉर्ड करके उसका शाम को डाल देता ब्लॉग, तो आप लोग रोज़ देखने आ जाइएगा गाइस। और मैं ये 2-3 दिन से शुरू किया हूँ अभी, तो पिछला 2 ब्लॉग नहीं देखो तो जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें काफ़ी दूर आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह का ये मौसम और चिड़िया के चुहचुहाने की आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सुबह उठ के देखें अपने घर या शहर में जहाँ भी आपका घर है, आप सुबह जल्दी उठें, आप लोगों का इतना बढ़िया आपका मूड फ्रेश हो जाएगा बता नहीं सकता मैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे सूर्य जी निकल रहे बाहर। तो गाइस मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर आ चुका हूं और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा पैदल ही क्यों जा रहा है। तो गाइस मैं बता दूं, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हम लोग कट्टा तो बना रहे ब्लॉग में कंटिन्यू रहे। तो गाइस टाइमिंग तो जिस तरह की सेक्शन ए का है 9 से 12 और सेक्शन बी का 12 से 3। तो गाइस मैं सेक्शन ए में हूँ तो मेरा 9 से 12 तो बने रहे ब्लॉग में, आप लोगों को एग्जाम देकर उसके बाद बाहर मिलता हूँ। सो गाइस ये जो दोनों आप लोगों को दिख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं और स्कूल का भी नहीं आते। सो गाइस ये दोनों लड़के एग्जाम देके घर आ चुका हूँ और मैं भी कुछ खाने खाता हूँ, देखते क्या बना है।